पहले बुलडोजर चला और अब कोर्ट ने दिए मुकदमा दर्ज के आदेश। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों पर सरकारी भूमि व अवैध अतिक्रमण हटाने व कब्जा मुक्त कराने के लिए प्रशासन बुलडोजर चला रहा है, तो वहीं औरैया जिले में नेशनल हाईवे की जमीन पर बीते कई सालों से कब्जा किए लोगों की दुकानों होटलों को नोटिस देने के बाद भी जब कब्जा नहीं हटाया गया तब प्रशासन के आदेश पर टोल कर्मियों ने अपनी 3 करोड़ की जमीन कब्जा मुक्त करने के लिए पुलिस प्रशासन की मदद से बुलडोजर चलाकर नेशनल हाईवे की जमीन को मुक्त कराया गया। लेकिन हाईवे पर चले बुलडोजर से बौखलाए एक युवक कोर्ट चला गया, जहां कोर्ट ने टोल मैनेजर व 10 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। बीते 5 जून को हाईवे की ही जमीन पर कब्जा किए लोगों को नोटिस देने और कब्जा हटाने को लेकर टोल प्रशासन पर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कहा गया, लेकिन कब्जा किए लोगों में से किसी ने भी अपना कब्जा नहीं हटाया, जिसके बाद प्रशासन की मदद से कब्जा हटाने के लिए बुलडोजर चलाया गया। लेकिन हाईवे पर चले बुलडोजर को लेकर अब कोर्ट ने टोल मैनेजर सत्यवीर यादव के ऊपर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। नेशनल हाईवे की जमीन पर बने होटल के बाहर टंकी टूटने को लेकर मोहम्मद उमर नाम के युवक ने कोर्ट में पहुंचकर टोल मैनेजर की शिकायत करते हुए कहा कि गलत तरीके से बुलडोजर चलाया गया है, जिसके बाद कोर्ट ने मुकदमा लिखने के आदेश पुलिस को टोल मैनेजर सत्यवीर यादव पर दर्ज करने के दिए हैं। वहीं सत्यवीर यादव ने बताया कि जिस जमीन पर बुलडोजर चला वह नेशनल हाईवे टोल प्लाजा की जमीन है, जिसे 3 करोड़ रुपए में खरीदा गया था, जिसका पूरा पेमेंट भी साल 2017 में नूरजहां बेगम के अकाउंट में भेजे जा चुके हैं, जबकि वह खुद उस जमीन पर कब्जा कर होटल चला रहा था। वहीं हाईवे किनारे किए कब्जे को लेकर कई बार आरटीओ अधिकारी व एसडीएम के साथ बैठक की जा चुकी है, जिसके बाद ही प्रशासन के आदेश पर इन कब्जा किए लोगों के प्रतिष्ठानों पर नोटिस देने के बाद बुलडोजर चलकर कब्जा मुक्त कराया गया, जबकि इसकी अनुमति पुलिस प्रशासन व राजस्व के अधिकारियों से ली थी और उन्हीं के आदेशों पर ये कब्जा मुक्त कराया गया। हाईवे किनारे इन दुकानों होटलों की वजह से ही वाहन खड़े होते हैं, जिसकी वजह से हादसे भी हुआ करते थे। कोर्ट ने भले ही आदेश दिए हैं, जिसकी जांच भी होगी। इस मामले को लेकर मोहम्मद उमर के वकील सौरभ भदौरिया ने बताया कि मेरे जो मुवक्किल हैं मोहम्मद उमर ने बताया था कि टोल प्लाजा के जो डिप्टी सीएम हैं अनंत राम टोल के, जिन्होंने अवैधानिक तरीके से हमारी संपत्ति की तोड़फोड़ की है, जिसका विरोध करने पर उन्होंने मोहम्मद उमर को गाली गलौज व हाथ पैर तुड़वाने की भी धमकी दी थी। आपको बता दे करने पर कोई भी कार्यवाही न होने पर उन्होंने न्यायालय की शरण ली। उसके बाद विद्वान सिविली जूनियर डिवीजन के जज के समक्ष 156(3) सीआरपी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उसके बाद मेरे तर्क सुनकर टोल प्लाजा के डिप्टी सीएम व 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के आदेश। अनंतरम टोल प्लाजा के मालिक डिप्टी सीएम के खिलाफ न्यायालय ने मुकदमा लिखने का आदेश किया है, क्या है प्रॉब्लम? जी देखिए, मेरे मुवक्किल है एक श्री मोहम्मद उमर, तो उन्होंने यह बताया था हमें कि जो डिप्टी जीएम है अनंतराम टोल प्लाजा के, तो उन्होंने अवैधानिक रूप से उनके साथ उनकी जो प्रॉपर्टी है वहाँ पे तोड़फोड़ की है, और जिसका विरोध करने पर उनको गाली गलौज की है और हाथ पैर तुड़वा देने की धमकी दी। पुलिस में शिकायत करने पे कोई कार्रवाई ना होने पर उन्होंने न्यायालय की शरण ली, तो इस पर हमने विद्वान सिविल जज जूनियर डिवीजन के समक्ष 156(3) सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पे हमारे तर्कों को सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने टोल प्लाजा के डीजीएम श्री सतवीर सिंह और 10-12 अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत समुचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश संबंधित थाना पुलिस को दिया है, और यह भी आदेशित किया कि इस आदेश की अनुपालन आज्ञा 15 दिन के भीतर संबंधित अधिकारी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। सर, टोल पे जो है अतिक्रमण चला था कुछ दिन पहले पे, लेकिन अब मामला आया है कि जहाँ पे ये अतिक्रमण हटाया गया था उन्होंने आपके खिलाफ जो है न्यायालय में जाकर मुकदमा लिखवाने, क्या है पूरा मामला? मामला ये कि ये 5 तारीख को एक हमने थोड़ा अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चला था, जिसमें पुलिस फोर्स पर्याप्त थी, क्योंकि एसडीएम साहब ने 1 तारीख को यहाँ पर मीटिंग ली थी सभी के साथ में, तो ये दिन निश्चित किया था कि रविवार को अतिक्रमण हटाया जाएगा। उसके उपलक्ष्य में ही हमने उनको मशीनरी प्रोवाइड की थी। पुलिस की उपस्थिति में 50 पुलिस वालों की उपस्थिति में 2-3 इंस्पेक्टर भी थे, ये अतिक्रमण हटाया गया था। उसी संदर्भ में उस मोहम्मद उमर का भी अतिक्रमण, जो कि नाले के अंदर उसका पानी की टंकी और वदी बनी हुई थी, उसको भी वहाँ से हटाने की कोशिश की, थोड़ा दाया गया था, जिसके संदर्भ में उसने मेरे खिलाफ एप्लीकेशन लिखी। जबकि उस मोहम्मद उमर ने, उसकी पत्नी ने 2017 में अप्रैल में
3 करोड़ रुपए उनके खाते में जा चुका है NHAI की तरफ से, पूरा जमीन का पैसा ले चुके हैं और अभी तक उनका अतिक्रमण नहीं हटाया गया है जब तक। लेकिन नाला भी मेरा भी बना बीच में रुका हुआ है, नाले की वजह से पानी भरा होता है ना, इधर भी नाला बीच में रुका हुआ, उधर भी रुका हुआ है, और इटावा तरफ भी नाला बनाने के लिए होदी को तोड़ना बहुत जरूरी था, लेकिन वो तोड़ी तो मेरे खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया गया। इसमें मेरा कोई दोस्त तो है नहीं, वहाँ पर प्रशासन पूरा मौजूद था।